morning students. Now in previous lecture we have studied about the vector diagram for lagging power factor. Okay, हमने जो last lecture में क्या पढ़ा था कि vector diagram draw किया था transformer का, जिसमें जो load था वो inductive था और उसकी वजह से जो power factor मिल रहा था वो lagging power factor था. अब आज हम vector diagram draw करने जा रहे हैं जिसमें load है वो resistive है. And जब भी resistive load use होता है तो उसके वजह से जो वोल्टेज एंड करंट होता है उसके बीच में कोई भी एंगल मिलता नहीं, तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर मिलेगा वो हमें मिलेगा यूनिटी पावर फैक्टर. ओके सर, लेट अस स्टार्ट कि वेक्टर डायग्राम कैसे बनाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन फ्लक्स के लेंगे. ओके, यानी फ्लक्स को हम रेफरेंस लाइन लेंगे. क्यों? क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में जो कॉमन क्वान्टिटी है वो है वाई एम. सो सबसे पहले हम फ्लक्स की लाइन बनाएंगे. अब ये जो फ्लक्स है उसके साथ जो ईएमएफ मिलेगा वो हमें 90 डिग्री लैगिंग पे मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे इससे 90 डिग्री लैगिंग पे हम ईएमएफ की लाइन बनाएंगे ई टू के ऊपर ही हम दूसरी लाइन बनाएंगे, उसको नाम देंगे ई1. ओके, सो ई1 एंड ई2 बोथ आर लैगिंग विद दिस फ्लक्स फाई एम एट एंगल 90 डिग्री. अब थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है कि ये जो ई1 है उसको अपोजिट डायरेक्शन में हमें बनाना है. तो यहाँ पे सेम वैल्यू लेके हम ई1 का वेक्टर बनाएंगे. ओके, सो थर्ड स्टेप पे क्या करना है, जो ई1 है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे हैविंग सेम वेक्टर. ओके, वैल्यू सेम ही रहेगी, सिर्फ हम क्या करेंगे जो उसकी डायरेक्शन है उसको हम चेंज करेंगे. नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे ई1 के साथ 50 एंगल पे हम नो लोड करंट I0 बनाएंगे. ओके, हमने थ्योरी में देखा था कि जो नो लोड करंट होता है वो ईएमएफ के साथ 50 एंगल बनाएगा. तो 50 एंगल पे I0 प्लॉट करेंगे. अब ये जो I0 है उसका हमने इक्वेशन देखा था कि जो नो लोड करंट होता है इट इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. ओके, वो दो कंपोनेंट्स कंबाइन करके बनाया जाता है. एक होता है IMU जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, एंड दूसरा होता है IWU जिसको हम बोलेंगे वर्किंग कंपोनेंट. अब जो IMU है वो क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, वो फ्लक्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. ओके, तो वो किसके डायरेक्शन में आएगा, फ्लक्स के डायरेक्शन में. तो सबसे पहले हम I0 का x कंपोनेंट यानी कि IMU बनाएंगे. ओके, तो x एक्सिस पे IMU आएगा एंड I0 का जो y कंपोनेंट है वो हमें मिलेगा y एक्सिस पे. ओके, तो IMU एंड IWU. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें करंट लोड करंट I1 बनाना है. ओके, सो I1 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो I1 है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ I0 प्लस I2 डैश. ओके, तो जो लोड करंट था I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश. तो I0 तो है हमारे पास, बट हमारे पास कौन सा करंट नहीं है, I2 डैश. तो सबसे पहले हम I2 डैश बनाएंगे. ओके, तो I2 डैश जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, हमने ऐसा इक्वेशन लिखा था कि I2 डैश इज इक्वल टू KI2, यानी कि ये जो सेकेंडरी का करंट होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सेम वैल्यू का करंट हमें मिलेगा. ओके, जिसको हम बोलेंगे I2 डैश, बट I2 डैश है वो प्राइमरी करंट है. ओके, एंड इट विल नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दिस I2 करंट. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले I2 करंट बनाएंगे, यानी यहाँ पे लैगिंग एंगल में I2 करंट बनाएंगे. ओके, लैगिंग एंगल पे हम क्या करेंगे, I2 करंट बनाएंगे एंड I2 की एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम बनाएंगे I2 डैश. ओके, दोनों की जो वैल्यू है वो आपको सेम रखनी है I2. ओके, अब ये जो I2 है
the tip of the I2 dash. Okay, तो ये जो line है, इसको हम shift करेंगे वहाँ पे I2 dash पे. And ये जो I2 dash की line है, उसको हम parallel line बनाएंगे, but वो कहाँ पे बनाएंगे? I0 की tip. Okay, तो इन दोनों का जो result मिलेगा, यहाँ पे cut point मिलेगा हमें. तो ये जो हमें cut point यहाँ पे मिलेगा, उसको हम origin से join करेंगे. तो ये जो value मिलेगी, वो हमें किसकी मिलेगी? I वन की. ओके तो हो गया I1 is equal to I0 plus I2 dash. यानी कि जो I0 का वेक्टर है वो I2 dash का जो वेक्टर है वो दोनों कंबाइन होके अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू द वेक्टर फॉर द I. नेक्स्ट अब जो प्राइमरी है उसके अंदर हमें ड्रॉप्स ऐड करने हैं. तो प्राइमरी में कौन कौन से ड्रॉप होते हैं? सो एक होता है I1 R1 ड्रॉप, दूसरा होता है I1 X1 ड्रॉप. I1 R1 ड्रॉप क्या है? तो जो प्राइमरी की जो वाइंडिंग है उसके रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप मिलता है उसको हम बोलेंगे I1 R1. एंड जो I1 X1 क्या होता है? तो प्राइमरी का जो रिएक्टेंस होता है लीकेज रिएक्टेंस उसकी वजह से जो ड्रॉप मिलता है वो हमें कितना मिलेगा? I1 X1. अब जो I1 R1 ड्रॉप जो है वो हमें I1 के डायरेक्शन में ही मिलेगा. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लॉट द I1 R1 ड्रॉप. सो I1 की पैरेलल में ही हमें जाना है तो इसी डायरेक्शन में हमें यहाँ पे मिलेगा I1 R1 ड्रॉप. ओके नाउ सेकंड I1 X1 ड्रॉप. तो I1 X1 ड्रॉप है वो I1 अपने इंपेडेंस ट्रायंगल हमने देखा था उसमें क्या होता है? जो रेजिस्टिव ड्रॉप होता है I1 R1 उसके एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हमें I1 X1 ड्रॉप मिलेगा. ओके यहाँ पे इन दोनों के समेशन से हमें जो मिलेगा ड्रॉप उसको बोलते हैं I1 Z. ओके तो यहाँ पे जो I1 R1 का जो वेक्टर हमने प्लॉट करा उसके टीप पे एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल पे हमें मिलेगा I1 X1. ओके तो ये जो मिला हमें क्या मिला? I1 X1 ड्रॉप. अब इन दोनों का जब हम समेशन करेंगे तो ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? I1 Z. ओके तो ये जो हुआ वो हुआ इम्पीडेंस ट्रायंगल. ओके अब देखिए प्राइमरी के लिए हमारे पास इक्वेशन है वी वन is equal to E1 plus I1 R1 plus I1 X1. ओके तो इन तीनों का जब हम एडिशन करेंगे तब जाके हमें V1 मिलेगा. यानी कि E1 का इनिशियल पॉइंट एंड X1 यानी कि Z1 का एंड पॉइंट ये दोनों को अगर हम इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे इन दोनों को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो होगा V1 का. तो यहाँ पे E1 इनिशियल यानी कि ओरिजिन में से शुरू होता है E1 एंड उसका जो एंड पॉइंट है वो हमें मिल रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे ये जो फैक्टर मिलेगा वो हमें किसका मिलेगा? V1 का. ओके आपको स्केल यूज करनी है कि जिसकी वजह से आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. ओके तो ये जो मिला वो क्या हुआ? V1 का वैक्टर. ओके तो यहाँ पे ये जो है वो प्राइमरी का वेक्टर डायग्राम कंप्लीट हुआ. अब हम सेकेंडरी में जाएंगे. सेकेंडरी पे हमने I2 बनाया हुआ है. अब I2 के ऊपर हम V2 बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे I2 एंड V2 दोनों एक ही लाइन में आएंगे क्योंकि रेजिस्टिव लोड यूज़ हो रहा है एंड उसकी वजह से देयर विल बी नो एंगल बिटवीन V2 एंड I2. तो यहाँ पे ये जो मिलेगा वो मिलेगा आपको V2. अब I2 है V2 है. ओके तो हम सेकेंडरी की साइड हम जो लोड की वजह से जो ड्रॉप हो रहे हैं उसको ऐड करेंगे. तो सेकेंडरी में कौन कौन से ड्रॉप होंगे? तो I2 R2 एंड I2 X2. ओके यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग की वजह से जो रेजिस्टिव ड्रॉप हो रहा है वो एंड सेकेंडरी में जो लीकेज रिएक्टेंस है उसकी वजह से जो ड्रॉप हो रहा है वो. तो ये दोनों जो ड्रॉप है उसको हम ऐड करेंगे. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे रेजिस्टिव ड्रॉप यानी कि I2 R2.
तो I2 R2 जब हम ऐड करेंगे तो उसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, तो सेम V2 की डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे बनाएंगे I2 R2, यानी कि रेजिस्टिव ड्रॉप। I2 R2 का जो वेक्टर है उसको एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हमें I2 X2 ड्रॉप मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा I2 X2। ओके, एंड I2 X2 के इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो ये जो ड्रॉप मिलेगा वो मिलेगा I2 Z। ओके, एंड तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको देगा E2। ओके, तो यहाँ पे ये जो लाइन मिली वो है E2 की। ओके, तो ये जो है वो वेक्टर डायग्राम फॉर द यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि वेक्टर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर फॉर यूनिटी पावर फैक्टर। फिर इसे देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन क्वांटिटी है उसको हम एज अ रेफरेंस लाइन यूज़ करेंगे, यानी कि जो फ्लक्स है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों के लिए कॉमन है। सो सबसे पहले हम फ्लक्स की लाइन को एज अ रेफरेंस लाइन लेंगे। अब रेफरेंस लाइन लेंगे, उसके बाद जो EMF इंड्यूस्ड होता है ट्रांसफॉर्मर में वो हमें फ्लक्स से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे मिलता है। ओके, तो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो E1 एंड E2 जो दोनों EMF है इसको हम ΦM से 90 डिग्री एंगल पे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है कि जो E1 का वेक्टर है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, यानी ये जो E1 है सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। ओके, नाउ यू हैव टू प्लॉट द नो लोड करंट। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नो लोड करंट को प्लॉट करेंगे। सो नो लोड करंट कितने एंगल पे मिलेगा, E1 से 50 एंगल पे नो लोड करंट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमने नो लोड करंट दिखाया। ओके, अब जो नो लोड करंट होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है IMU, दूसरा होता है IEEE। IMU जो है वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है और वो हमें एक्स एक्सिस में या तो फ्लक्स के डायरेक्शन में मिलेगा। सो यहाँ से हम इसको प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस पे ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी IMU की, यानी कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द I0। सेम वे I0 का जो वाई कंपोनेंट है वो हमें IEEE की वैल्यू देगा। ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द वेक्टर फॉर द I1 करंट। अब हमें I1 का वेक्टर बनाना है, बट I1 का इक्वेशन हमारे पास क्या है, I0 + I2 - I0 ऑलरेडी हमने प्लॉट करा है बट हमारे पास I2 - का वेक्टर नहीं है। तो हमने देखा था थ्योरी में कि I2 = KI2, यानी कि I2 करंट जो होता है वो प्राइमरी करंट है और उसकी जो वैल्यू होगी वो सेकेंडरी के करंट से अपोजिट डायरेक्शन होगी। ओके, वैल्यू सेम होगी बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उससे अपोजिट होगी। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले I2 को प्लॉट करेंगे। तो सेकेंडरी साइड पे हम यहाँ पे I2 प्लॉट करेंगे। ओके, I2 जो हमने प्लॉट करा तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, I2 - ओके, तो यहाँ पे हमें I2 का वेक्टर मिला। अब I0 से हम पैरेलल लाइन बनाएंगे I2 की टीप पे। सेम वे I2 का जो वेक्टर है उसको पैरेलल लाइन बनाएंगे हम, जिसको हम शिफ्ट करेंगे I0 की टीप पे, और उन दोनों का जो समेशन हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे I1। यानी कि I0 का समेशन ऑफ वेक्टर ऑफ I0 एंड I2 विल गिव यू द वेक्टर फॉर I1। तो ये जो वेक्टर मिला वो किसका मिला, I1 करंट का। अब I1 का जो करंट मिला, अब जो प्राइमरी में हमारे पास इतने अननोन्स थे, ये जो पैरामीटर्स थे उसको हमने प्लॉट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ड्रॉप है प्राइमरी में वो हम प्लॉट करेंगे। तो प्राइमरी में दो ड्रॉप हो रहे हैं, एक है रेजिस्टिव ड्रॉप जिसको हम बोलेंगे I1 R1, दूसरा है रिएक्टेंस ड्रॉप I1 X1। तो दोनों को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसके डायरेक्शन में होगी, I1 के ही डायरेक्शन में, यानी कि जो I1 है उससे हम ऊपर शिफ्ट करके पैरेलल बनाएंगे, उसको बनाएंगे हम E1 की टिप पे। तो E1 की टिप पे जब
आप बनाओगे तो I1 R1 ड्रॉप आपको मिलेगा। जो I1 X1 ड्रॉप है वो I1 R1 ड्रॉप से एग्जैक्टली हमें 90 डिग्री पे मिलेगा। तो I1 X R1 से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे हमें I1 X1 वेक्टर मिलेगा। अब इन दोनों का समेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1 Z1। नाउ V1 = E1 + I1 R1 + I1 X1, यानी कि इन तीनों का जब समेशन करेंगे तब जाके हमें V1 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे जो E1 का इनिशियल पॉइंट है यानी कि उसका वेक्टर ओरिजिन से शुरू हो रहा है और एंड कहाँ पे होने वाला है, वो I1 Z1 के लिए। तो यहाँ से लेके I1 Z1 पर हम वेक्टर बनाएंगे जो हमें देगा V1 वेक्टर। तो ये जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, V1 वेक्टर। ओके, अब प्राइमरी कंप्लीट हो गई, अब हम सेकेंडरी पे मूव होते हैं। सेकेंड में हमने I2 बनाया हुआ है, प्राइमरी में भी एज इट इज़ वो ऐसी ही रहेगी, बट सेकेंडरी लैगिंग यूनिटी एंड लीडिंग पावर फैक्टर के लिए चेंज होगी। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे जो लोड कनेक्ट किया हुआ होगा उसके डिपेंड जो I2 है वो चेंज होगा, लैगिंग होगा तो पीछे रहेगा V2 से, अगर लीडिंग हुआ तो वो फोर्थ क्वार्टर पे चला जाएगा। बट यहाँ पे कौन सा पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर है, तो जो I2 है उसी के डायरेक्शन में हमें V2 मिलेगा। एंड V2 की टिप पे हम ड्रॉप का वेक्टर्स बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में हमें I2 R2 मिलेगा, उससे 90 डिग्री पे हम बनाएंगे, I2 R2 से हमें मिलेगा I2 X2, एंड दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, I2 Z। अब ये जो लाइन है और ये पॉइंट दोनों कनेक्ट करेंगे तो हमें E2 की वैल्यू मिलेगी। अब E2 के लिए हमारे पास इक्वेशन है E2 = V2 + I2 R2 + I2 Z2। सो इट प्रूव्स दिस इक्वेशन इज राइट फॉर द सेकेंडरी साइड। सो दिस इज द वेक्टर डायग्राम फॉर ट्रांसफॉर्मर फॉर द यूनिटी पावर फैक्टर। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम फॉर द लीडिंग पावर फैक्टर। थैंक यू।